मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के जो हमारे मेंबर सेक्रेटरीज हैं उनसे भी आज चर्चा हुई कि कैसे हम हमारी आशा वर्कर्स को, एनआरएलएम में जुड़ी हुई हमारी महिलाएं बहनें जो सखियां हैं उनको, मनरेगा में जुड़े हुए हमारे मजदूर हैं उनको, हमारे और जो डिपार्टमेंट्स हैं चाहे वो हेल्थ हो, वुमेन एंड चाइल्ड हो, उनसे जुड़े हुए लोगों को भी हम इस बोर्ड के साथ रजिस्टर जोड़ के आने वाले भविष्य का लाभ जो स्टेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको टाइमली पहुंचाने का काम करना है। हमारा ये लक्ष्य है कि जो 70 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, 70-78 के बीच में हैं हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो किसी के घर में काम करने वाली स्वीपर हो या खाना बनाने वाला कुक हो, उन तमाम लोगों को फिर आने वाले भविष्य में बोर्ड के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से उन लोगों को मिल पाए, तुरंत उन लोगों को इसका लाभ मिल पाए। ये भी चर्चा आई, डिमांड आई कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े लोगों को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाए। इसके ऊपर भी आने वाले भविष्य में मैं स्वयं लेबर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी चर्चा करके इसको टेकअप करने का काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आयुष्मान जो है वो हर गरीब को आज लाभ